8 मई 2024 को पुलिस स्टेशन उड़ी को एक रिलायबल सोर्सेज के ज़रिए इतला मौसूल हुई थी कि दो शख्स जिनका नाम है महमूद अहमद नजार वल्द मोहम्मद हसन नजार चुरुंडा का रहने वाला और सजाद अहमद मलिक वल्द मोहम्मद अमीन मलिक जो कि धनी सैदा का रहने वाला है, इन दो शख्सों की जो है इन्वॉल्वमेंट आ रही है नारकोटिक्स स्मगलिंग में और इन्होंने कुछ नारकोटिक्स का कंसाइनमेंट छुपा के रखा हुआ है। इस इतला को मौसूल होते ही पुलिस स्टेशन उड़ी ने जो है FIR इल्लत नंबर 35/2024 NDPS एक्ट में रजिस्टर किया और अपने केस की जो है तफ्तीश स्टार्ट की। दौरान तफ्तीश ये दो शख्स महमूद अहमद नजार और सजाद अहमद मलिक को जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया। दौरान पूछताछ इन दोनों ने जो है ये रिवील किया कि इन्होंने कुछ नारकोटिक्स और कैश चुरुंडा में छुपा के रखी हुई है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही पुलिस पार्टी, इलाके के मजिस्ट्रेट मौके की तरफ रवाना हुए और इंडियन आर्मी की ट्रूप्स की मदद से जो है चुरुंडा इलाके में सर्चेस की गई। ड्यूरिंग सर्चेस इन दो अक्यूज्ड के डिस्क्लोजर पे हमने कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जो कि हीरोइन लाइक सब्सटेंस है वो रिकवर किया और साथ ही साथ कुछ कैश भी बरामद की। इस रिकवरी के बाद जो है और तफ्तीश की गई और इन दो अक्यूज ने जो है अपने एक तीसरे साथी का नाम भी जो है हमारे साथ शेयर किया जिसका नाम है फयाज अहमद हजाम वल्द मोहम्मद रफ़ी हजाम जो कि धनी सैदा का रहने वाला है। पुलिस ने फिर फयाज अहमद को भी जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया और उसने भी अपनी क्वेश्चनिंग के दौरान ये डिस्क्लोज किया कि उसने भी कुछ कैश और कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस छुपा के रखा हुआ है। फिर से एक बार पुलिस पार्टी और मजिस्ट्रेट ने जो है जॉइंटली सर्चेस की और फयाज अहमद के डिस्क्लोजर पे भी कुछ कॉन्ट्राबैंड। बारामूला पुलिस ने जो है हाल ही में एक लेटेस्ट GPS ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो बेल्ड आउट ड्रग पेडलर्स होते हैं उनके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। इस टेक्नोलॉजी के तहत एक GPS एंकलेट को उस बेल्ड आउट ड्रग पेडलर पे फिट किया जाता है और उसको मॉनिटर किया जाता है इसी गर्ज से कि वो अपनी बेल कंडीशंस को वायलेट ना करे और बेल होने के बाद भी वो जो है ड्रग पेडलिंग के गोरख धंधे में शामिल ना हो। अगर वो इस तरीके की बेल कंडीशंस को वायलेट करता है तो फिर पुलिस जो है वो कोर्ट्स को अप्लाई करके उसकी बेल्स कैंसिल कर लेती है। ये तीन परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार